मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं चपोरा फोर्ट, और यहाँ पे कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी तो धूप निकली है। आई जस्ट होप ये धूप मेंटेन रहे। और हम जा रहे हैं चपोरा फोर्ट। हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ से चपोरा फोर्ट है 3 किलोमीटर, और अगर आप मापसा से डायरेक्टली चपोरा फोर्ट आना चाहते हो तो ये है 18 किलोमीटर। यहाँ का एनवायरनमेंट कमाल का है, यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है। और अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ तो अच्छी एडवाइस ये है कि अगर आप गोवा आओगे तो 4 व्हीलर की जगह आप 2 व्हीलर रेंटल ले लीजिए, और वहाँ पे 2 व्हीलर पे पूरा गोवा घूमिए। सो गाइस, हम निकले थे सुबह सुबह चपोरा फोर्ट के लिए, धूप भी निकली थी, बट अचानक इंद्रदेव नाराज हो गए, बहुत ज्यादा बारिश। यहाँ पर धूप भी है और बारिश भी हो रही है। आई जस्ट होप ये बारिश बंद हो जाए तो मैं निकलूँ यहाँ से। सो बारिश बंद होने का वेट करते हैं। तो ये आ गए हम चपोरा फोर्ट। पहले ये जितनी भी शॉप्स जैसे दिख रही है छोटी छोटी, ये ओपन तो नहीं हुई है, कुछ एक पीछे ओपन हुई है, और ये थोड़े टाइम पहले इन्होंने शॉप्स वगैरह स्टार्ट कर दी जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलने लग गया और छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मिलने लग गए। ज़्यादा यहाँ पे कुछ था नहीं, पहाड़ चढ़ के जाना था। अब ये थोड़ा ब्रिक वर्क भी कर दिया इन्होंने। थोड़े टाइम पहले जब मैं गोवा आया था तब ये सारी चीज़ें जो भी ये ब्रिक वर्क छोटा छोटा किया है, ऐसा ब्रिक वर्क नहीं था। अब धीरे धीरे इन्होंने डेवलप किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, और पूरे फोर्ट तक ऐसी सीढ़ियाँ बनाई है, अदरवाइज़ आपको ट्रैक करके वो फोर्ट पे जाना पड़ता था। अब सीढ़ियाँ बन गई है तो थोड़ी आसानी हो गई है जाने के लिए। ये ऑफ सीज़न है इसलिए ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत टूरिस्ट यहाँ पे हैं। आज पूरा फोर्ट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वीकडे है और ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, एंड थोड़े दिनों पहले यहाँ पे जो पास के एरियाज में फ्लड्स वगैरह हुए थे इसकी वजह से टूरिस्ट अवॉइड कर रहे हैं ये प्लेस पे आने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत टूरिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो हम फोर्ट पहुँच चुके हैं, अंदर जाके थोड़ा फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, ये है चपोरा फोर्ट। एक मूवी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो मूवी थी दिल चाहता है, और मेरे पीछे ये पूरी जो सीक्वेंस बाउंड्री दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ एक सीन शूट हुए थे दिल चाहता है मूवी के। सो लोग यहाँ पे दिल चाहता है मूवी के बाद आने लग गए बहुत ज़्यादा, और तब से इसको दिल चाहता है फोर्ट भी बोलते हैं। तो जब भी कोई गोवा आता है घूमने के लिए तो वो यहाँ के लोकल्स को हमेशा पूछता है ये दिल चाहता है फोर्ट कहाँ है। तो ये दिल चाहता है फोर्ट चपोरा फोर्ट है ये, और ये वैगेटर और अंजुना में है। वैगेटर करके एरिया है नॉर्थ गोवा में, अंजुना बीच से थोड़ा सा पास में है, तो ये यहाँ पे है। सो अगर आप कभी नॉर्थ गोवा आओ तो चपोरा फोर्ट आना मत भूलना। 80-90% लोग जो भी गोवा आते हैं वो ये फोर्ट ज़रूर विजिट करते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको मेरे व्लॉग से हेल्प मिली हो, और ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे अगर आपको देखने हैं तो आप चपोरा फोर्ट ज़रूर आना। अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर 3 बीच है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और कुछ लोगों को शायद इसके बारे में नहीं बताओ तो बता दूं कि यहाँ पे है वैगेटर जिसे वागातौर भी बोलते हैं, अंजुना बीच, और एक और बीच है छोटी सी स्मॉल वैगेटर एंड ओजरान बीच। तो कभी अगर नॉर्थ गोवा आओगे तो ये बीचेस एक्सप्लोर करो, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड गंदगी नहीं है ज़रा भी।
अगर देखा जाए बीच पे मैं आपको लेके जाऊंगा, कल हम जब अंजुना गए थे तो वहाँ पे भी गंदगी नहीं है। वैसे यहाँ पे रेगुलरली बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस को ध्यान देते हैं और इसके वजह से बीच बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है। सो मैं वापस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर बीच साइड आते हो और कुछ खाते हो तो उसके रैपर्स वगैरह आप अपने बैग में कैरी करो और प्रॉपर जहाँ पे डस्टबिन बना है वहाँ पे ही फेंको, क्योंकि अगर आप बीच पोल्यूट करोगे तो हमारे एनवायरनमेंट और हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ कंसर्न फॉर अस। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ मूव कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं अगर क्लीनलीनेस की बात आपसे शेयर करूं और आप अगर उसको फॉलो करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड इनफैक्ट सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं आपको एक पॉइंट पे लेके चलता हूँ, वहाँ से गोवा कैसा दिखता है आपको दिखाता हूँ। We are young, we feel everything. मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, तो आप कभी गोवा आओ तो यहाँ पे आना मत भूलना। मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा था वो है ये। सो गाइस ये है चरपोरा फोर्ट एंड मेरे पीछे एक सीनिक ब्यूटी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे छोटे छोटे शिप्स है, छोटे छोटे होटल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लोग आके रुकते हैं। वैसे अगर ये फोर्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूँ तो वो ये है कि ये फोर्ट पोर्चुगीज़ लोगों ने बिल्ड किया था। लेकिन हाँ, अगर पोर्चुगीज़ लोगों ने बिल्ड किया था तो इंडियन रूलर्स ने इसे 1717 में रीबिल्ड किया, थोड़ा मॉडिफाई किया एंड तब से ये फोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर बात करें तो इंडियन टूरिस्ट या आउट ऑफ इंडिया से जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो ये फोर्ट ज़रूर विज़िट करते हैं, क्योंकि इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस। अगर बात करें इंडियन टूरिस्ट की तो इंडियन टूरिस्ट ऑलमोस्ट पूरे 12 के 12 मंथ आते हैं, बट मेनली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सीज़न होता है। तो आप कभी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ पे आओ। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरी टूरिस्ट। यहाँ पे अगर दूर दूर में आपको दिखा हो तो छोटे छोटे शिप्स हैं और नीचे साइड पे शैक्स हैं और बहुत सारे होटल्स हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सीनिक ब्यूटी एंजॉय करनी है तो आप चरपोरा फोर्ट आना मत भूलना। सो मैं आपसे मिलता हूँ आगे चल के दूसरे पार्ट में। गोवा में हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे मिलता हूँ, तब तक स्टे ट्यून। और हाँ, आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था वो भी मुझे बताना, तो मैं उसमें थोड़े से चेंजेस करूँगा आने वाले व्लॉग्स में। आई जस्ट होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, रेगुलरली पोस्ट करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून, सी Like the stars, no more fear of hiding. Stay.